भाई ये कभी मेरी शादी के लिए लाके रखी हुई लड़ी थी 2000 बमों की। तो आज सो गाइस दीपावली के लिए सब रेडी हो चुके हैं बच्चे बड़ों, और मैंने आज अपनी पहली बार ये वाली शर्ट पहनी है। पता नहीं कैसी लग रही होगी, बाल थोड़े से टारगेट से हटे हुए हैं। टारगेट से इसलिए हटे हुए हैं क्योंकि मैं लीन करने वाला था, तो उस हिसाब से मुझे बाल बड़े करके क्लीन शेव एंड मूछे हटानी थी, लेकिन अभी कर रहा हूँ गेन, तो फिर मोटा हो जाएगा मुंह, तो अभी बाल नहीं कटवा रही हूँ। और दोनों क्वीन, क्या बोलते बच्चे को, प्रिंस बेबी डॉल और माइक क्वीन रेडी। अच्छा बेटा चप्पल पहन के नहीं बैठे, मैं और अनायशा येलो। क्या बेटा, नहीं अभी नहीं, अभी पूजा करनी है ना पहले। पूरी खुश हो रही है मम्मी, मंदिर तो यहाँ है रखो जी। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले वो है मैडम और अनायशा। अनायशा कहाँ हो आप? ये छूटने वाली नहीं है मम्मी ना, ये तो छोटी है अनायशा, ये वाली हमेशा मम्मी छुटती है। मम्मी पूरी तूफानी है, कहाँ फेंको छोड़ देगी नीचे, ये देख पूरा खिलाड़ी हूँ मैं, ये तो पहला बोल रहा हूँ मैं, पहला बोल रहा हूँ मैं। छोड़ दो आओ, मैं ये कह रही यासु की शादी के लिए लाए थे, जब भी नहीं विवेक के ब्याह में भी नहीं छूटे, ये दुखी रखी है। और भाई ये कभी मेरी शादी के लिए ला के रखी हुई लड़ी थी 2000 बमों की, तो आज यूटिलाइज कर ली। जैसे सरकार ने बैम लाया खरीद के दिलाए, भैया हम शादी के लिए लाए थे, तो बहुत पुरानी है, इसमें तारीख तो होगी 2012 की है, मतलब 13 में लेके आए थे हम, 13 में शादी होने वाली थी मेरी, तब का रखा भाई है, रखा हुआ था ये, कल वो जब सामान निकाला ना तो सुखा रखा था बार बार बने धूप में, तो ये मेरी हमारी शादी होने वाली थी जब बहुत सारे पटाखे लेके आए थे, तब का रखा, हमने बचा के रखा था। आसू की शादी में छुड़ाएंगे तब भी नहीं छुड़ा पाए, फिर विवेक की शादी में छुड़ाएंगे तब भी नहीं छुड़ा पाए, लेकिन आज मुहूर्त बना दीपावली के दिन गूगल ने ही छुड़ाया। मेरे हाथ ही था एक भी, मतलब खुशी बम नहीं निकला, सारे मुझे रोके थे भाई की तरह जवान थे। जैसा कि सभी ने बहुत प्यार और हर्ष उल्लास से दिवाली बनाई है, वैसे ही मैंने भी बनाई है और खूब खाया भी है, लेकिन यार जो हम फिटनेस वाले होते हैं ना, हर चीज में नुक्स निकालते हैं यार, इसकी इसमें मीठा हो जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगी। भाई लाइफ एक ही मिली है, इंजॉय भी करो, और ये त्योहार बार बार नहीं आते हैं। जैसे मैंने खूब खाया कल, अभी मैं जिम में आ गया हूँ और वर्कआउट करूंगा। आपको अपनी कैलोरीज का हिसाब रखना होगा अगर आप फिटनेस लवर हो, ये आपका लाइफस्टाइल है। अभी देखो मेरे को 9 मिनट वर्कआउट करते हुए हैं और मेरी कैलोरी 72 मैंने बर्न की है, लेकिन आपके पास ये डिवाइस नहीं है फिर भी एक आप अच्छा वर्कआउट करेंगे 45 मिनट का, तो आप 500 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, लाइक ट्रेडमिल भी करते हैं आधा घंटा, तो 300 कैलोरी आप बर्न करते हैं। तो वर्कआउट कीजिए और जो खाया उसे जला दें। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know. तो बहुत सारे भाई मुझे पूछते रहते हैं यार, जैसे मैं थक जाता हूँ, तो फिलहाल मैं ये प्री वर्कआउट यूज कर रहा हूँ, MB का और वॉटेक्स
बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्री वर्कआउट में ऐसे इंग्रेडिएंट मिला देते हैं जो आपको बेचैन करते हैं, वो इसमें नहीं है। आपका सर नहीं पकड़ता है, दर्द नहीं होता है, नींद खराब नहीं करता है। तो आप भी इसे ले सकते हैं और ट्राई करें। पहले कर लगाई थी तो इस ग्रिप में लगाई थी, अब क्या है ना कि जैसे मेरे फोर आर्म वीक है तो एक ही एक्सरसाइज में मैं दोनों कवर कर लेता हूँ। चेस्ट अप। I know this pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. पहले ना मैं बहुत easily workout करता था, heavy weight लगा लेता, लेकिन अभी थोड़ा muscle mind connection के हाथ लगाता हूँ। ये 20 किलो है, लेकिन मैं 30 kg के भी मार सकता हूँ आपसे। तो भैया वेट वो लगाओ जिसको आप पूरा मसल पे इम्पैक्ट दे सको। अगर मैं मान लो यही 20 किलो लगा रहा होता, 10 किलो मेरी मूवमेंट पे चला जाता, तो 10 किलो आर्म पे फायदा ही नहीं था। अभी 20 किलो पूरा स्क्वीज करके लगाया तो सारा बाइसेप्स पे गया। मैंने सिर्फ बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, 445 48 मिनट हो गए हैं, जिसमें बीच में थोड़ा सा शूट भी है। तो अगर आप सही वर्कआउट करोगे ना तो भाई बहुत अच्छा आपका मतलब कैलोरीज बर्न होगी और खाना पीना भी आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा। खाए जाओ, पड़े रहो, मीठा खाए जाओ और फिर ब्लेम करे जाओ मीठे को। एंजॉय एवरी मोमेंट, त्यौहार भी। तो भाई वर्कआउट फिनिश हो गया, अभी जाके पापा के साथ कुछ सम इंटरेस्टिंग शूट। अगर आपने नहीं फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे तो सेम अकाउंट सेम नाम हर जगह छाया हुआ है आपके भाई का, फटाफट फॉलो कर लो भाई। कीरत की गाड़ी बिल्कुल चमक की खड़ी है, मेरी बिल्कुल गंदी।